गिरफ्त में आया दाऊद, फंस गया दाऊद, यूएई में धरा गया दाऊद, डोभाल के डोजियर पर एक्शन। यूएई ने भारत सरकार के सौंपे हुए डोजियर के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। भारत सरकार ने ये डोजियर 1.5 साल पहले यूएई सरकार को सौंपा था और ये काम करने वाले भारत के एनएसए अजीत डोभाल थे। दाऊद की संपत्ति पर की गई कार्रवाई की सूचना यूएई ने भारत सरकार को भी दे दी है। यूएई की ओर से की गई कार्रवाई को दाऊद के खिलाफ अब तक की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ही कहा था कि सरकार दाऊद को लाने की कोशिशों में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें दाऊद का एक होटल और रियल एस्टेट से जुड़ी प्रॉपर्टीज हैं। गौरतलब है कि 2015 में पीएम मोदी यूएई दौरे पर गए थे और उसी दौरान भारत ने दाऊद के खिलाफ डोजियर सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा जाली नोट बनाने, ड्रग्स स्मगलिंग और हवाला जैसे कामों में लगा है। जो कार्रवाई हुई है उसमें दाऊद की गोल्डन बॉक्स कंपनी को जब्त किया गया है, जिसके जरिए वो होटल और रियल एस्टेट का कारोबार करता था। मालूम हो कि दाऊद मुंबई में हुए 1993 के बम धमाकों का आरोपी है और उसके अलावा भी उस पर कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में ये भारत सरकार की बड़ी कामयाबी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।